कातिल रात के अंधेरे में मौत की सी खामोशी से हमलावर होता। वो घात लगाकर भेड़िये की तरह वार करता और फिर इंसानों का रूप धार कर कहीं गुम हो जाता। पुलिस को तलाश थी एक ऐसे ही कातिल की जो रास की तरह पुरसरार था, और फिर एक सबूत ने किया कातिल का पर्दाफाश। कत्ल कितने बजे हुआ है? सर, लाश की हालत देखकर तो लगता है कि क्वार्ट 10 घंटे हुए। क्या लगता है, डकैती की वारदात? नहीं सर, मुझे नहीं लगता। क्यों? सर देखे ना, पर्स, नकदी, कागजात, रिक्शे के अंदर हर चीज मौजूद है, कुछ भी तो नहीं गया सर। हैरत है, कोई खास शायद? नहीं सर, अभी तक तो कोई खास नहीं है। मरने वाले की शिनाख्त हुई है? जी सर, वो इसके कागजात चेक किए हैं, वो शाहदारा का रहायशी है। ठीक है, इसके खानदान वालों को इत्तला करो। जी बेहतर सर। और कोई बात? जी नहीं सर, रात तक मुझे रिपोर्ट दो। जी बेहतर सर। चलो भाई, ये इसका हाथा बनाओ सारा। सर जी, क्या ठंड लग रही है? ये बताने है? नहीं सर, मेरा मतलब है कि कोई चाय पानी कर लेते हैं सर। यार पहले काम कर लो, फिर चाय पानी भी कर लेना। अभी प्रेस वाले आ जाएंगे, वो जाए वकुआ पर घूमते फिरेंगे, सारा काम खराब कर देंगे। ओहो सर जी, मैं तो वैसे ही कह रहा था, अब तो खामखा नाराज हो रहे हैं। शाहनवाज, शाहनवाज, मेरा दिमाग मत खाओ, काम करो। चलो चलो। ठीक है सर, अच्छा भी शादी करो, तुम खड़े हो उधर।
पीछे करें। आप क्यों आए यहाँ? आपने ही तो मारा है उसे। कोई ले जाए इनको यहाँ से। कोई पेशरफ्त हुई रक्षा ड्राइवर के केस में? अजी सर, उसकी बीवी के बयान लिए थे, उसने अपने जेठ के ख्वाब बयान दिया है। क्या मतलब? सर, मकतूल की बीवी के मुताबिक छोटे भाई और बड़े भाई में जायदाद का चक्कर था, उसने शक जाहिर किया। जायदाद क्या थी? सर, 5 मरले का आबाई मकान था, कोई इतनी बड़ी जायदाद भी नहीं है। उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट का क्या कहना? सर, वो भी नहीं है। ठीक है, तुम ऐसा करो कि उसके भाई को बुलाओ और तफ्तीश करो। जी बेहतर सर। क्या कहते हो आप? ये शातर औरत की बातों में आ गए हैं जनाब। सारी उम्र जिसने भाई को भाई से मिलने नहीं दिया। मल्ले वाले ने भी यही कहा है कि तुमने उसे जान से मार देने की धमकी दी थी। मेरी एक दफा भाई से लड़ाई हुई, उसे मैं कह दिया होगा। लड़ाई की वजह क्या थी? उसने पेट नंगा कर ही दिया, तो मैं वो खामोश नहीं रहूंगा जनाब। क्या हुआ था? कत्ल की यह वारदात दोनों भाइयों की दुश्मनी थी या फिर मकतूल शाहिद की बीवी ऐसे ही अपने जेठ पर इल्जाम लगा रही थी? और अगर इल्जाम लगा रही थी तो क्यों? और जेठ ने अपने भाभी के किरदार पर क्यों शक किया? क्या पुलिस मौका वारदात से मिलने वाले सबूत से कोई मदद हासिल कर पाएगी, और वो सबूत किसकी तरफ उंगली उठाएंगे? बहुत से सवाल के जवाब देंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। तालुकात हैं तेरे शाहिद की बीवी के साथ? जनाब, मेरे किसी से कोई तालुकात नहीं। बकवास करते हो तुम! जिस होटल में जाकर रंग रलियां मनाते हो, वहां के मालिक से सारी तफसील ले लिया तुम्हारी। बताओ, शाहिद को क्यों कत्ल किया? कसम उठा लेनी है, जहां कहते हैं मैं वहां कसम उठा लेता हूं। मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि मैंने तो ज़ुबैदा से भी ताल्लुक खत्म कर दिया। शाहिद की मौत के बाद? नहीं जनाब,
बहुत पहले की बात है, पता कर ले। पता तो मैं करा ही, दो छित्रों की मार, दो छित्रों की मार। मैं चाहता हूं कि ये टेढ़ी ना ही कैनवास। सर इसके फिंगरप्रिंट्स ले लो। ठीक है सर। इसका मतलब है किसी ने कुछ भी नहीं मारा। सर मुझे तो लगता है कि दोनों पार्टियां हवाई बातें कर रही हैं। मकतूल की बीवी के तालुका तो थे, लेकिन लेकिन क्या सर? मौका वारदात से जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो दोनों में से किसी मुलजम के साथ भी मैच नहीं करते। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या है? सर फायर नजदीक से मारा गया है, लगता है कि पॉइंट ब्लैंक से ही शूट किया गया है। इसका मतलब है कि कातिल कोई तीसरा है। जी सर। ऐसा करो उसकी बीवी को पकड़ो। जी सर। उससे तहकीकात करो, शायद उसके साथ कोई तीसरा मिला हो। जी बेहतर सर। उसकी बीवी के फिंगरप्रिंट्स लिए? नहीं सर। उसके फिंगरप्रिंट्स लो और उसे भी देखो। वो तो मैं ले लेता हूँ सर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीवी इतनी सर्दमेरी से हामद को पॉइंट ब्लैंक पर शूट कर सकती है। देखो हमने मफरूजे पर तो चल रहा है। दूसरा गोली को कोई रिपोर्ट आई? सर चेक करो, देसी है कि वलैती? जी बेहतर सर। लाल मिर्चों की धुनी लेकर बंदे का क्या हाल होता है, कभी सोचा है तुमने? हाल बुरा हो जाएगा हाल। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो सिर्फ एक तरीका है, यहाँ तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं। तू तू क्या चीज है? मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। खुदा के लिए मुझे छोड़ दे, मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खाती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। सर कुछ बताया उसने? सर वो अपने होने वाले बच्चे की कसम खा रही है। तुम उसे कुछ ना कहना, अगर इस हालत में कुछ हो गया तो नई मुसीबत बन जाए। तुम ऐसा करो कि उसके भी फिंगरप्रिंट्स ले। ठीक है जनाब। पहुंचो, मैं आ रहा हूं। ठीक है ना? कहा ना मैं आ रहा हूं। पुलिस शाहिद कत्ल केस में एक बंद गली में खड़ी थी।
जुबैदा के फिंगरप्रिंट्स भी जाय वारदात से मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच नहीं किए थे। पुलिस अभी इस केस में सर खपा ही रही थी कि उसी इलाके में एक और कत्ल हो गया। मरने वाला कौन था और क्या इस कत्ल का ताल्लुक शाहिद कत्ल केस के साथ था? इन सवालों के जवाब बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। देखो साफ साफ बताना है अगर किसी पर कोई शक है। नहीं जनाब, हम तो गरीब लोग हैं, हमारी किसी से क्या दुश्मनी जनाब। उठना बैठना किन लोगों के साथ था तुम्हारे भाई का? किसी के साथ भी नहीं था जनाब, वो रात को रिक्शा चलाते थे, सारा दिन सोते थे और दिन को रिक्शा मैं लेकर निकल जाता था। कभी किसी साथी रिक्शे वाले के बारे में कुछ कहा हो? मैंने कहा ना जनाब, कभी किसी के बारे में कुछ कहा ही नहीं, वो लोगों से मिलते ही कम थे, बस अपने ही काम से काम रखते थे। शादीशुदा था? नहीं जनाब, मंगनी हुई थी और वो भी टूट गई। टूटी क्यों थी? जनाब, लड़की वाले शादी जल्दी करना चाहते थे, लेकिन अभी दो जवान बहनें थी घर में, पहले उन दो बहनों की शादी करनी थी, उसके बाद भाई ने अपनी शादी करनी थी। शाहनवाज, शाहनवाज। सर, जो दोनों रिक्शे वाले अभी कत्ल हुए हैं उनकी फाइलें ले लो। ठीक सर, अभी लाया। क्या हुआ? सर, वायरलेस से इतला आई है कि रावी के पास एक लाश मिली है। लाश? जी सर। किसकी? सर ये तो मालूम नहीं है, लाश के पास एक रक्षा खड़ा है, लगता है कि फिर कोई रक्षे वाला कत्ल हो गया। यार ये क्या है? थाने में कोई गाड़ी है? जी सर, एक गाड़ी है सर। जल्दी तैयार करो उसे, मौका पर पहुंचना। ठीक सर। Thank you.
अब्बास, ये क्या हो रहा है हमारे थाने के हलके में? सर, मैं खुद परेशान हूं सर। परेशान होना इस मसले का हल नहीं, तुम एक जिम्मेदार अफसर हो, इसीलिए ये केस तुम्हें दिए गए, मगर कोई पेशरफ्त नहीं। और अब एक और कत्ल। सर, कातिल हमें मौका ही नहीं दे रहा सर। इससे पहले कि हम एक लू के पीछे पड़े, वो एक और कत्ल कर देता सर। डिप्टी साहब ने बुलाया, तुम्हें भी साथ चलना है। जी ठीक है सर, मैं फाइलें ले लूंगा। दो हफ्ते में तीन कत्ल, और वो भी एक इलाके में, और अभी तक हम कोई गिरफ्तारी नहीं कर सके। इससे पहले के ऊपर से जवाब तलबी हो जाए, कुछ ना कुछ कर लो। सर, काम तो कर रहे हैं। नजर आ रहा है तुमने अभी तक क्या काम किया है, क्या किया है तुम लोगों ने? सर, मेरा ख्याल है सीरियल किलिंग है सर। इसे समझाओ, ऐसी बातें करके क्यों प्रेस को हमारे पीछे लगवाना है? किन शवाहिद की बुना पर तुम ये बात कर रहे हो? बड़े ठोस शवाहिद है सर। कत्ल सारे शादरा के इलाके में हो रहे हैं, और इसका मतलब यह हुआ कि कातिल भी उसी इलाके में है। सर, अभी तक जितने भी फिंगरप्रिंट सवारी वाले कैबिन से लिए गए वो एक ही है, और तीनों कत्लों में इस्तेमाल होने वाली गोलियों की साख भी एक है, इनका सीरियल नंबर भी एक है, और तो और निशाना भी पॉइंट ब्लैंक से लिया गया सर। सीरियल नंबर वाली गोलियां या तो सरकारी होती हैं या फिर वलायती। देसी गोली का कोई सीरियल नंबर नहीं होता। सर, जो शख्स भी मरा है उसके हाथ की एक उंगली चाकू या तेज धार आले से काटी गई, और आखिरी बात जो बहुत अजीब है सर, मरने वालों को कद एक जैसी है, यानी चेहरे मोरे खूबसूरत नौजवान। ठीक है, तुम लोग इस केस पे काम करो, और हाँ सुनो, किसी भी तरह ये खबर प्रेस के हाथ नहीं आनी चाहिए, वरना या फौरी तबादला या फिर मौत। यहां पर गुड कॉर्नर्स का यही मतलब है, समझे? ठीक है सर, आप फिक्र न करें। तफ्तीशी अफसर की बात ठीक थी कि कोई रिक्शे वालों की सीरियल किलिंग कर रहा था, और अगर कर रहा था तो क्यों? आखिर इसकी क्या वजूहात थी? क्या पुलिस मौके वारदात से मिलने वाली गोलियों का पता चला सकेगी कि वो कहां से आई, किसने किसको बेची? इन तमाम सवालों के जवाब एक ब्रेक के बाद। जी, मैंने पहले कहा था कि बड़ा नोट ना देना, तैरिए मैं देखता हूं। क्या हुआ? पता नहीं तो हेलो एम्बुलेंस,
सर ये शानवास, इसको फौरन लेबोरेटरी भेजो, बुलेट्स मैच करवाओ, पता करो कि ये गोलियां इसी पिस्टल से चली हैं, और फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट भी चाहिए मुझे कि मैच करते हैं कि नहीं। ठीक सर। और जैसे ही उस रिक्शे वाले को होश आए ना तो उसका पता करना और मुझे बताना। सर मैं तो कहता हूँ कि चौकीदार से पूछ कर हमलावर का स्केच बनवा लेते हैं। यार चौकीदार को नहीं पता, जब वो आया था तो कातिल भाग रहा था, उसने तो अंधेरे में उसकी शक्ल भी नहीं देखी, उसने बताया मुझे। ठीक है सर। और हाँ एक खास बात, इस पिस्टल को पीछे को चलाओ और पता करो कि कहाँ से और किसने बेचा है, इससे उस का पता चलेगा। शानवाज मुझे आज शाम तक पिस्टल वाला बंदा चाहिए, जल्दी। अरे यार लेके आओ जो रिक्शे वाले ने बनवाया। ठीक सर। तुम्हारा तो वो हाल होगा कि तुम खुद नहीं पहचानो। माफी दे दो अल्लाह के लिए, नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा, माफी दे दो। अरे सर तेरी खबर तो मैं बहुत ध्यान दे लूंगा, अभी तो मैंने तुझसे बुलाई थी जोड़ियों वाली पार्टी का नाम उगलवाना। फ्रेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक फिंगरप्रिंट्स मैच कर गए थे, पिस्टल पर वही फिंगरप्रिंट्स थे जो पुलिस को जाय वारदात पर मिले थे। फ्रेंसिक रिपोर्ट में ये बात भी साबित हो गई कि बुलेट उसी पिस्टल से फायर किया गया था जो मौका वारदात पर पुलिस को मिला था। नाजायज असलहा बेचने वाले ने भी मुल्जिम को पहचान लिया था, लेकिन वो पुलिस को उस जगह से मिला या फिर वो भी वारदात करने के बाद रुपोश हो गया। केस की मजीद गुत्थियां सुलझाएंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।
जो कहोगे वो तुम्हारा बयान होगा जो अदालत में पेश होगा। मैं सब बताता हूं, तेरा ने मेरे साथ ऐसी बेवफाई की कि मैं संभल नहीं पाया। तेरा मेरी मंगेतर थी, हाँ मेरी मंगेतर, उसने और उसके यार ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया था। हाँ धोखा। घर में कोई भी नहीं? नहीं, क्यों? ये फोन किसका था? तुम्हें इससे मतलब? अपने काम से काम रखा करो। तेरा जी, मैं मंगेतर हूँ आपका। हाँ, मेरी ही जिंदगी तबाह करनी थी मेरी अम्मी ने, जो तुम जैसा नकारा आदमी मेरे पल्ले बांध दिया। और क्या है क्या तुम में? ना ही अकल है और ना ही शक्ल, और कमाते भी वाजबी सा। वो जी मालिक कहते थे अगले महीने तुम्हारी तनख्वाह 7,000 कर देंगे। इसमें क्या क्या पूरा करोगे? गुजारा कर लूंगा, आपको मुश्किल नहीं होगी। तुम जैसे मनुष्य को बर्दाश्त करना ही मुश्किल है। शादी के बाद जो होना है वो तो होगा, अभी भी जी जलाने आ जाते हो। जैसे मंगनी हुई थी वो मुझे यूं ही जलील करती थी, वो मुझे पसंद नहीं करती थी, और वजह थी उसका यार रक्षे वाला, जिसके साथ वो मुझे छोड़कर भाग गई। तुमने उसके चक्कर में इतने बंदे क्यों मारे? बोलो, बताता। मैंने उस रक्षी वाले को कभी नहीं देखा था, लेकिन इधर उधर से सुना था। जिस दिन से वो घर से भागी उसका कोई पता नहीं चला, उसको हमने तलाश किया। एक दिन उसका फोन आया, उसकी माँ ने बताया वो इसी शहर में है और खुश है, वो हमसे मिलना नहीं चाहती। तो मैंने उसी दिन से ये सोच लिया कि रक्षे वाले को मार मार कर खत्म कर दूंगा, और कोई तो होगा उसका शौहर, और जब वो मर जाएगा वो फिर सामने आ जाएगी, खुद बहुत सामने आ जाएगी। कैसे करता था? मैं अपनी जसामत के खिलाफ उनको देखता था, उनको चुनता था। वो बड़े कद वाले और बड़ी मूछे वाले बंदों को पसंद करती थी। मैं समझता था वो किस तरह का बंदा पसंद करती है, तो मैं वैसे ही बंदों को तलाश करता था। उनकी उंगलियों का क्या करता था? साहब जी, मैं उनको निशानी के तौर पर रखता था। हाँ, निशानी के तौर पर। देख तेरे साथ क्या होता है हराम को। तुमने सामने ये औरत के पीछे इतने घर जाए। पुलिस के सारे सबूत, जाय वारदात से मिलने वाले शवाहिद सब उसके खिलाफ थे। पुलिस अब उसकी मंगेतर और उसके शौहर तक भी पहुंच गई थी। मजीद तहकीकात के बाद ये बात साबित हुई कि रशीद दिमागी मरीज भी था। इसके साथ पुलिस उस नाजायज असलहा गैंग की टिप भी हासिल कर चुकी थी, और अब उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके उन तक पहुँचने की तैयारी में थी। अगले हफ्ते एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। नबीहा एजाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।